नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हूँ ज्योतिष सम्मत एक नई जानकारी को लेकर के, और हमारी आजकल चर्चा का विषय जो है वह है शनि से संबंधित, अर्थात शनिदेव का राशि परिवर्तन को लेकर के। 24 जनवरी सन 2020 को शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो शनि देव का राशि परिवर्तन हमारे आम जनजीवन पर तो प्रभाव इसका रहता ही है, लेकिन इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुओं पर शनि का अधिकार होता है, उन सभी क्षेत्रों पर, उन सभी देशों पर भी इसका प्रभाव अच्छा खासा देखने को मिलता है। शनि देव 2.5 वर्ष के भीतर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, अर्थात वह एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। हमारे सौरमंडल में सबसे दूर जो ग्रह है वह शनिदेव है, इसीलिए इनकी परिक्रमा 2.5 वर्ष के भीतर पूर्ण होती है, और 2.5 वर्ष के बाद ही शनिदेव सौरमंडल का चक्कर लगाते हुए दूसरी राशि में जाते हैं। तो निश्चित रूप से इस राशि परिवर्तन से सभी राशियों पर अथवा सभी जितने भी वस्तुएं हैं उन पर इसका प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। और हमारे आम जनजीवन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की दशा, महादशा, अंतर दशाएं ऐसी होती हैं जो जातक को धीरे धीरे से निखार लाती हैं और निखार कर उस योग्य बनाते हैं जिस योग्य वह जातक बनना चाहिए, अर्थात इसीलिए शनि को न्याय का देवता भी कहा गया है, न्याय का ग्रह भी कहा गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक शनि का इस राशि परिवर्तन का फलाफल दिया। अब बात करते हैं सिंह राशि की। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि यह जो राशिफल तैयार किया गया है, यह चंद्र और लग्न यदि आपकी चंद्र कुंडली में यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 5 अंक पर स्थित है तो आपकी सिंह राशि बनेगी, और यदि आपका लग्न भी 5 अंक से प्रारंभ होता है तो आपके लिए भी यह राशिफल है। लेकिन विशेष तौर पर आप यदि देखेंगे तो यह चंद्र कुंडली के माध्यम से ज़्यादा सटीक बैठेगा, क्योंकि चंद्र कुंडली का मतलब चलायमान ग्रहों की स्थिति, और हमारे जीवन भी क्या है, चलायमान है। तो आइए प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव लेकर आके आ रहे हैं शनिदेव। तो अभी तक शनिदेव आपके लिए धनुराशिगत पंचम स्थान में शनि केतु गुरु के साथ युति बना करते थे, लेकिन 24 जनवरी 2020 के बाद शनिदेव आपके लिए छठे स्थान में चले जाएंगे। छठे स्थान यानी दुख, ऋण और दारिद्र्य का होता है, अर्थात उनकी स्वराशि वहीं पर बनती है, मकर राशि में प्रवेश करेंगे जब शनिदेव। तो वैसे भी सिंह राशि के जातकों के लिए रोग रिपु ऋण के मालिक होते हैं, और दूसरे सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन अर्थात मार्केश के रूप में शनिदेव एक बाधक ग्रह होते हैं, तो सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ी बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति लाजमी है। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, जो तीसरी दृष्टि होगी वह अष्टम स्थान पर होगी, 7वीं दृष्टि आपके लिए द्वादश स्थान पर होगी, और जो 10वीं दृष्टि होगी वह तृतीय स्थान पर होगी, अर्थात छठे स्थान पर स्थित रहकर के शनिदेव 8वें स्थान को देखेंगे। तो यहां सभी प्रकार की बाधाएं आपके लिए आएंगी, लेकिन किसी भी प्रकार का आपको बहुत अत्यधिक पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि अष्टम स्थान में स्वयं शनिदेव कारक होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि छोटी मोटी चोट चपेट इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते शनिदेव कि जातक की किसी भी प्रकार का अहित हो जाए, अर्थात संघर्ष आपका बढ़ जाएगा। द्वादश स्थान पर जब शनिदेव की दृष्टि होगी तो आपका व्यय बढ़ जाएगा, धन के मामलों में आप धोखा खा सकते हैं, अर्थात यदि आपको मार्केटिंग का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है तो आप किसी
अन्य की सहायता से लेकर के मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी सहायता से लेकर के निवेश करेंगे तो ही आपके लिए यह लाभदायक होगा। लेकिन यदि आपको बिना सूझबूझ का कहीं निवेश कर दिया तो आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। विशेष तो आपका व्यय अधिक हो सकता है, धन के मामलों में धोखाधड़ी हो सकती है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए धन के मामलों के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है, अर्थात यहाँ आपको सतर्क रहना चाहिए, अत्यधिक व्यय करने से बचना चाहिए। स्वाभाविक है, छठे स्थान कर्ज का होता है और जो द्वादश स्थान होता है वो व्यय का होता है। तो आप अपनी सुख सुविधाओं में इस तरह न खो जाना कि आपको कर्ज लेकर के अपने शौक पूरे करने हों और फिर आप कर्जे में डूब जाए, तो ऐसी स्थिति न करें। ऐसी स्थिति से आपको बचने का पूर्णतः प्रयत्न करना चाहिए। दसवीं दृष्टि जो है शनिदेव की, वह आपके तीसरे अर्थात पराक्रम क्षेत्र में पड़ेगी, तो आपको अत्यधिक संघर्ष करना पड़ सकता है अपना कार्य क्षेत्र को लेकर के। अपने जिस भी व्यवसाय में आपको अत्यधिक संघर्षशील रहना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा व्यस्तताएं आपको आ सकती हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों के लिए कमर कसकर तैयार रहना चाहिए। विशेष रूप से आपको किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लेना चाहिए इस शनि की जब राशि परिवर्तन होगी, इस राशि परिवर्तन पे। ऋण यदि आप लेते हैं तो हो सकता है यह ऋण आपको दुगने रूप में देना पड़े, अर्थात आप कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं उससे भारी भरकम ऋण लेते हैं। और कई बार ऐसे देखने को मिलता है कई जातकों की जन्म पत्रिका में कि न तो व्यवसाय चलता है और ना ही वह ऋण लेकर के उसे मुक्त हो पाता है और फिर फंस जाता है और अंत में उसे वह छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति से आपको बचकर चलना चाहिए। जिस भी क्षेत्र के आप एक्सपर्ट हैं उसी क्षेत्र में आपको कार्य करना चाहिए और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको निरंतर उसी में मेहनत करनी चाहिए। अर्थात कहा जाए तो कुछ मिश्रित फलदायी है, जैसे स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक रहने वाला है, लेकिन ऋण आपको कर्ज में आप रह सकते हैं, व्यय आपका बहुत अत्यधिक हो सकता है। तो इन स्थितियों में और इन चीजों से आपको बचकर चलना चाहिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा राशि परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है, तो आपको इस हिसाब से अपने आप को तैयार करना होगा। तो मित्रों, आपका जीवन मंगलमय हो यही हम मंगल कामना करते हैं। नमस्कार। किसी विशेष निर्णय पर जाने के लिए पहले अपने जन्म पत्रिका का आप विश्लेषण अवश्य करवाएं, फिर किसी विशेष निर्णय पर पहुंचें।